आगजनी में 2 करोड़ की संपत्ति जलकर राख, जाने बहराइच बवाल की पूरी टाइमलाइन। मूर्ति विसर्जन के बाद जिले में रविवार से शुरू हुआ बवाल सोमवार को भी जारी रहा। उपद्रवियों ने वाहन शोरूम, दुकानों व वाहनों के अलावा लोगों की संपत्ति को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी में तकरीबन 2 करोड़ की संपत्ति जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और उपद्रवियों के बीच रात से लेकर दिन भर गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। घटना से पूरे जिले में दहशत का माहौल व्याप्त है। युवक की मौत के बाद बेकाबू हुए हालात। हरदी थाना क्षेत्र की महाराजगंज बाजार में रविवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान मकान से पथराव व गोलीबारी में रेहुआ मंसूर गांव निवासी 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्र की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए थे। जिले जगह जगह में प्रतिमा विसर्जन को रोक दिया गया। शहर में स्टीलगंज तालाब के पास बाइक में आग लगा दी गई। अस्पताल चौराहे पर कई दुकानों को जला दिया गया। काजी कचरा में भी आगजनी का प्रयास किया गया था। मामले में देर रात हरदी थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा व महसी चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज को निलंबित कर दिया गया था। सोमवार को घायल एक अन्य दिव्यांग युवक सत्यवान की मौत की अफवाह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। रमवापुर चौराहे के पास भीड़ ने 2 वाहनों को आग लगा दी। घटना की कवरेज कर रहे एक पत्रकार को भीड़ ने पीट दिया। महाराजगंज इलाके में निजी अस्पताल, बाइक शोरूम, दुकान, वाहन समेत कई स्थानों पर उपद्रवियों ने आगजनी की। उपद्रवियों ने सधुवापुर गांव में मकान, दुकान, ट्रैक्टर, बाइक व गांव के लोगों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। नौतला गांव में तोड़फोड़ किया गया। कबड़ियन पुरवा में आगजनी का प्रयास किया गया। ग्रामीण जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गए। घंटों पुलिस व उपद्रवियों के बीच गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। उपद्रवियों को काबू करने में पुलिस के पसीने छूटते रहे। आगजनी में लगभग 2 करोड़ की संपत्ति जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है।